नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ख़ास वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही पनीर बना सकते हैं। मार्केट से जब भी आप पनीर लेने के लिए जाते हैं तो आपके मन में एक डाउट होता है कि ये प्योर है या नहीं, इसलिए लाए हैं आज हम आपके लिए वीडियो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो दूध। अगर आप फुल क्रीम दूध लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा पनीर बनेगा। अब इस दूध को एक उबाल आने तक हम इस तरीके से ही चलाते रहेंगे। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है तो ये तली में जमे नहीं, इसलिए हम लगातार इसे चलाएंगे। अब हमने यहाँ पर 3 चम्मच वाइट विनेगर इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के रस को आपको दूध में डाल देना होगा और लगातार इस तरह से चलाना होगा। आप देख सकते हैं विनेगर डालने के बाद हमने लगातार चलाया और अब इसमें से छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। लगातार इस तरीके से चलाते रहिएगा तो कुछ ही देर में आपको पानी अलग होगा और छेना अलग होगा, ये साफ साफ नज़र आएगा। ये देखिए, आप यहाँ पर पनीर नज़र आने लगा है। अब हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। आप चाहें तो इंस्टेंट भी पनीर निकाल कर अपनी जो भी मनचाही डिश आपको बनानी है वो बना सकते हैं। अभी किचन टॉवल का यूज़ करके हम इसका पानी जो है उसको निथार लेते हैं और पनीर को अलग कर लेते हैं। इस पानी को आप फेंकिएगा मत। इसका इस्तेमाल आप आटा गूंथने के लिए या दाल सब्ज़ी बनाने के लिए कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर से पानी जो है वो अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। आप चाहें तो अभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मनचाही डिश बना सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा सेट करना चाहते हैं तो किसी सिल के नीचे या फिर किसी पटरे के नीचे दबा दें और 5 से 6 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें। हमने यहाँ पर 5 से 6 घंटे के लिए सिल के नीचे से दबा कर रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पनीर कुछ इस तरीके से सेट हो गया है। आप स्क्वायर, सर्कल, कोई भी शेप में अपने पनीर को सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो। एक किलो दूध से यहाँ पर हमने लगभग लगभग बनाया है 200 ग्राम पनीर। अगर आप भी फ्रेश और प्योर पनीर घर पर बनाना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं इस मेथड को और घर के लिए बना सकते हैं चिली पनीर, पनीर का पराठा, कढ़ाई पनीर या फिर पनीर की कोई भी और डिश। तो देर किस बात की, अपने घर में बनाइए और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दीजिए। ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।